की कोशिश कर रही है। Trying to scare me with your psycho stare? I can do better. Here. से क्या मेरी नेल्स फाइल करोगी? एक और वर्ड और कसम से अभी मार दूंगी। तो मारो, ये रोज रोज की टॉर्चर से तो अच्छा है। टॉर्चर अभी तूने देखा ही कहां है। अब देखेगी। मुझे अभी घर से निकले हुए एक घंटा भी नहीं हुआ है। आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू यार। शोना, हे लुक एट मी। तुम रो रही थी? झूठ मत बोलो। आई नो यू आर अपसेट क्योंकि मैं तुम्हें अकेले छोड़ के जा रहा हूं। मैं अपसेट नहीं हूं। तुम मानती क्यों नहीं हो कि तुम्हें अकेले घर में रहने में डर लगता है? मैं अकेली नहीं हूं। क्या मतलब अकेली नहीं हूं? कोई साथ रात गुजार रहा है। कौन? यू डोंट नो हिम। हिम? Maybe अगर सिर्फ बोर्डिंग का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है, ओके? So if you're pulling my leg, please stop it right now. नहीं तो मैं पूरे फ्लाइट टेंशन में रहूंगा। I'm not joking. नाम क्या उसका? अभी नहीं जानती। What the fuck is wrong with you? किसी अनजान आदमी को घर में घुसा रही हो? वो भी तब जब जानती हो कि शहर में क्या हो रहा है? He could be dangerous. मिलना चाहते हो उसे? वो ऑलरेडी घर पे है। मेरे जाते ही आ गया। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि वो पहले से घर पे था। कहाँ छुपा था? तुम सच में जानना चाहते हो? Yes, God damn it, मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ छुपा बैठा था। तीन बार चेक किया। It's positive. Surprise! Joy! Joy, please come back. Joy, please. क्या मैडम, आपको लगता है ड्रामा का टैलेंट सिर्फ आपके पास है? Congratulations, ma'am. Thank you, guys. तुम दोनों को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा। क्या करूं? Yeah, we understand. It's okay. हम दोनों तुम्हारा इंतजार करें। We love you too. Mrs. Mukherjee. अंदर आ सकता हूं? मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। जानता हूं, इसीलिए तो अभी आया हूं। घबराइए मत, ड्यूटी पे हूं। लापता लड़कियों का केस है, छानबीन चल रही है। बहुत रात हो चुकी है, प्लीज किसी डीसेंट टाइम पे आइए। नाउ गेट आउट। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं।
इंस्पेक्टर इमरान शाहिद। डॉक्टर ने घर तो अच्छा बनाया है। डर क्यों रही है? अब मैं तेरे साथ ऐसा क्या कर लूंगा जो हमने पहले कभी नहीं किया? वो चाहता क्या है? अब पूछने का क्या फायदा? ड्रिंक तो मैंने बना ली। ड्रिंक के लिए आया है तो प्लीज जल्दी करो और जा। अब मैं शादीशुदा हूं, लोग बात करेंगे। मैं तेरी कसम खाता हूं, ये ड्रिंक खत्म होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। तेरी कसम? तो तुझे तब यकीन होगा सोना, अगर मैं तेरे बच्चे की कसम खाऊं। तो आजकल तू यहां सोती है? लापता लड़कियों के बारे में तो तूने सुना ही होगा। सुना? हाँ। क्या सुना? यही कि छह लड़कियां गायब है। लेकिन ये सब मुझसे क्यों पूछ रहा है? तेरे पति की हरकतों के बारे में तुझसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? बहुत हो गया, निकल अब। देख सोना, तू मेरी मदद कर, मैं बाधा करता हूँ। मैं तुझे अपने घर पर बात करनी ही दूंगी। घर से चुराया? क्या करने की कोशिश कर रहा है? कुछ नहीं, बस तसल्ली कर रहा हूं। जब अपने पति पे इतना भरोसा था, फिक्र मत कर। What? ये बच्चा कौन है? मेरे हस्बैंड। ये तो डॉक्टर साहब की प्रॉपर्टी है। इंस्पेक्टर साहब ने यही आने कहा था। सर जी क्या बात है सर जी? प्रॉब्लम को पास से देखने के बावजूद भी कोई हल ना मिले ना, तो दूर जाकर नई नजर से देखना चाहिए। कितनी लड़कियां लापता थी? सर जी, छह। एक मिली तो कितनी बची? पांच। कुछ दिखाई दे रहा है? पांच। गमले खोदो उनके नीचे। सर
Now let's get that bastard. मैम साहब, हमने डॉक्टर साहब को इतना अच्छा आदमी समझा, अब हमें नहीं करना यहाँ काम। अरे हेलो, डॉक्टर साहब। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट इज दिस? आपके पास 5 मिनट है। सिर्फ 5 मिनट? जी हाँ, ये स्पेशल प्रोविजन है क्योंकि हम उसे बाकी कैदियों के साथ नहीं ला सकते। वो लोग उसे देखते ही लिंच कर देंगे। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, वो लोग मुझे छोड़ देंगे। क्या आदर्श है ना? तुम्हें तो मुझ पर यकीन है ना? हाँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ तुम इनोसेंट हो, तुम्हें फंसाया गया है। लेकिन कौन फंसाना चाहेगा मुझे? आई एम जस्ट अ डॉक्टर, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। मैं कुछ मैं शहर के सारे बेस्ट लॉयर से मिल चुकी हूँ। कोई हमारा केस लेने को तैयार नहीं है। क्या करें? नो क्लू, मैं किसी लॉयर को जानता भी नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सरकारी लॉयर। वेट अ मिनट, मेरे एक पेशेंट थे हल्द्वानी से, अ वेरी सीनियर लॉयर, मिस्टर रस्तोगी। मैंने उनपे एक फेवर किया था, वो शायद हमारी मदद करे। वो क्रिमिनल लॉयर है? आई डोंट नो, लेकिन अगर नहीं भी होंगे तो किसी ना किसी को तो रिकमेंड कर ही सकते हैं। हाँ, तुम्हें उनका नंबर मेरे कंप्यूटर में मिल जाएगा। कौन सा कंप्यूटर? घर या ऑफिस? ऑफिस। ओके, उनका पूरा नाम? मिस्टर रस्तोगी, मुझे बस उतना ही याद है। ओके, अपना ख्याल रखें। Thank you.
मिस्टर रस्तोगी से मिलना है। अपॉइंटमेंट है आपके पास? नहीं, मैंने फोन करने की कोशिश की। अरे वो किसी से नहीं मिल रहे हैं। देखो ये जिंदगी और मौत का सवाल। गेट के सामने से हटिए आप, गेट के सामने से। अरे तुम मुझे अपनी बात पूरी करने के लिए, अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? कोई मुझे अपनी बात पूरी करने क्यों नहीं दे रहा? देखो ये जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज मिस्टर रस्तोगी से कहिए, मृत्युंजय मुखर्जी की वाइफ उनसे मिलना चाहती है। डॉक्टर मृत्युंजय मुखर्जी की वाइफ? सलाम मैम साहब। आप जानते हैं उन्हें? वेरी वेल एक्चुअली। I'm Mrs. Rasogi. Nice to meet you. Come on. कहाँ है मेरा डॉक्टर? जेल। It's all over the news. मुझे लगा आपको पता होगा। जब से कार्डियक अरेस्ट हुआ है इस कमरे के बाहर का मैं कुछ नहीं जानता। The police have accused them of being the serial killer responsible for the murder of six innocent unmarried pregnant women. These of the six missing girls were found in the farmhouse of well-renowned gynecologist Dr. Mrit. All the bodies were dismembered and six fetuses were also found in the basement of. The city is in a complete state of shock and all the lawyers in the city have decided to not take the case of Dr. Mrityunjoy Mukherjee. जॉय इनोसेंट है, उन्होंने किसी की जान नहीं ली। जानता हूं इस दुनिया में जान लाने वाला किसी की जान कैसे ले सकता है। आप हमारी मदद करेंगे? स्कूल नहीं जाओगे? नहीं जाना। बैड बॉय। मदद तो करनी ही होगी, इस उम्र में जो खुशी उसने मुझे दी है उसका एहसान तो चुकाना ही होगा। मैं मेरी टीम को केस पे लगा देता हूं, लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें बेल एप्लीकेशन करनी होगी। मगर आप इस हालत में कोर्ट कैसे जाएंगे? अगर मैं नहीं जा पाया तो कोर्ट यहां ले आएंगे। Defense, how does your client plead? Not guilty, Your Honor. We plead not guilty and we move for bail. आज इस तरह से पेश होने के लिए माफी चाहता हूं, Your Honor. लेकिन आप तो मेरी हालत जानते हैं. So I crave Your Honor's leave to make an exception this one time. आपसे नॉर्मल एंट्री की उम्मीद भी नहीं थी मिस्टर रस्तोगी. You can carry on. Thank you, Your Honor. Prosecution? Prosecution. Yes, yes, Your Honor. Your Honor, actually, Your Honor, हम चाहते हैं कि डिफेंडेंट को बिना बेल की कस्टडी में रखा जाए. We object, Your Honor. डिफेंडेंट एक माहिर सर्जन है, समाज के इज्जतदार नागरिक है,
उनकी प्रॉपर्टी को किसी ने मिसयूज किया है। मेरे क्लाइंट का इस हादसे के साथ कोई वास्ता नहीं। वास्ता है योर ऑनर, ये क्राइम सीन पे पाए गए सिगरेट बट पे फिंगरप्रिंट्स और वहीं पर मिले ये हेयर सैंपल के डीएनए, ये दोनों एक्यूज से मैच करते हैं और उनका सीधा वास्ता साबित करते हैं। जमानत की याचिका खारिज की जाती है। द डिफेंडेंट विल रिमेन इन कस्टडी विदाउट बेल। डॉक्टर, तुम्हें कोई डॉक्टर नसीब नहीं होगा, समझ रहे हो तुम? मैंने सारे रिपोर्ट्स निकलवाए, स्टडी किए, सारे सबूत तुम्हारे पति की ओर इशारा करते हैं। विक्टिम्स कुंवारी प्रेग्नेंट लड़कियां थी जिनको अबॉर्शन करने के बाद मार डाला गया और फीटसिस ट्रॉफीज के तौर पर रखे गए। अब एक गायनेकोलॉजिस्ट ही ये सब कर सकता है। तो आप ही हम पे शक कर रही हैं? मिसेस मुखर्जी, मैं बहुत ही महंगा लॉयर हूं और महंगे लॉयर्स अक्सर डिफेंस अटॉर्नीज हुआ करते हैं, क्योंकि बचाने की जरूरत उन्हें ही पड़ती है जिनके पास पैसा है। देखिए, आपके हस्बैंड कसूरवार है या नहीं मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं उनकी और आपकी मदद तभी कर पाऊंगा जब मुझे सब सच पता हो। मेरा यकीन कीजिए, जो एक बेकसूर है। Exactly this. आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं ये? क्योंकि मैं जानती हूँ कसूरवार कौन है। कौन? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। ये सब उसके हमारे शहर आने के बाद से शुरू हुआ है। वो मुझसे बदला ले रहा है। जो सबूत अर्जुन से कोर्ट में दी वो हमारे ही घर से चुराया था। उसने जॉय को फंसाया। वो कोर्ट में हाजिर था? वही इंस्पेक्टर जिसने प्रोसिक्यूशन को एविडेंस दिए। अब समझा कि ये सारे एविडेंस इतनी सफाई के साथ कैसे मैनिपुलेट किए गए। और अबॉर्शन तो किसी भी क्वैक को पैसा देकर करवाया होगा। लेकिन अब हम क्या करें? क्या तुम ये प्रूव कर सकती हो कि ये इंस्पेक्टर ने डॉक्टर मुखर्जी को फंसाया? नहीं। तो टेक्निकली एक ही रास्ता बचता है, पर प्रैक्टिकली वो तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लीगल ऑप्शंस खत्म हो जाए तब दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। मैं समझी नहीं। फर्ज करो कि किसी की गवाही की वजह से मेरे क्लाइंट को जेल हो सकती है। अब ऐसे में मेरे क्लाइंट को बचाने का मेरे पास एक ही रास्ता है,
किसी भी हालत में वो गवाह को कोर्ट तक जाते हुए रोकना। अब ये रास्ता बताना मेरा फर्ज है, पर उस पे चलना या नहीं वो क्लाइंट की मर्जी। ठीक है, ये तो इलीगल है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी ये लोग क्या क्या करते हैं अपने अपनों को जेल से बचाने के लिए। तो मेरे लिए क्या रास्ता है? ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसे ठीक भी मुझे ही करना होगा। If you insist, पर याद रहे ये जानने की जिद तुम्हारी ही थी। हमें ये साबित करना होगा कि सीरियल किलर अब भी बाहर है। कैसे? उसे एक और वार करना होगा। अब वो क्यों करेगा? उसका मकसद तो पूरा हो चुका है। अगर वो नहीं करेगा तो किसी और को करना होगा। किसे? उसे जो डॉक्टर मुखर्जी को जेल से छुड़ाना चाहता है। आपका मतलब मैं? भूल जाओ जो मैंने कहा वो। मैंने पहले ही कहा था कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पति को फांसी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि उसे सिर्फ उम्र कैद हो। क्या हुआ? जॉय, लेकिन यहाँ पे पूरा बंद को सोना चाहिए। मर्टिन जॉय मुखर्जी, मैं उनकी वाइफ। ये सब कैसे? कुछ कैदियों ने अटैक किया था, अटेम्प्ट टू मर्डर था। किसी ने तो पैसे दिए होंगे। किस ऐसे केसेस में अक्सर विक्टिम की फैमिली। इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। Hi, I'm Mithun Joy. I'm a gynecologist, and a male gynecologist is like a bald hair stylist. You like tattoos? Yep. ये मैंने खुद बनाया है, फर्स्ट टाइम टैटू आर्टिस्ट हूँ। कभी चाहिए हो तो बताना। नहीं नहीं, मुझे मेरी बॉडी पे टैटूज बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्या खराबी है टैटूज में? वेल, ताजमहल पे ग्रैफिटी कोई बनाता है भला? लिसन, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, बट आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। Hey! What? किस्मत अच्छी है बॉस, आज मैं अच्छे मूड में हूं। एक हरामजादे को जेल में बंद किया है मैंने, वार्निंग देके छोड़ रहा हूं बॉस, वार्निंग है। पुलिस वाला हिट एंड रन में मारा गया तो क्या साबित होगा कि सीरियल किलर अब भी बाहर है? बिल्कुल नहीं। सीरियल मर्डर्स में सारे विक्टिम्स एक जैसे होते। हमारे केस में कुंवारी प्रेग्नेंट लड़कियां और एक ही तरह से मारे गए हो।
हमारे केस में अबॉर्शन के बाद, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं अपने हस्बैंड को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी. I'm on. मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कराना चाहते. उन्होंने मुझे एक लड़की से मिलवाया. तुझे मंजूर नहीं होते तो बोल उनको, जबरदस्ती थोड़ी करेंगे तेरे साथ. जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन तुझसे भी नहीं करने देंगे. क्यों भाई, क्या खराबी मुझमें? क्योंकि वो दोनों सर्जन है, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी शादी भी एक सर्जन से हो. एंड तू, सॉरी बट तू बस एक पुलिस वाला है. hey, hey, पुलिस वाला तो क्या हुआ, दोनों लोग काम एक ही करते हैं, जान बचाने का. बकवास बंद कर. अगर अभी तूने कुछ नहीं किया तो आवर रिलेशनशिप इज ओवर. सोना, तू क्या चाहती है? मैं क्या करूं? भाग के शादी कर लेते हैं. भाग लोगी है क्या? अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है तू, दिल टूट जाएगा यार उनका. बहाने मत बना. तुझे मुझसे शादी करनी है या नहीं? करनी है, बट इट्स टू अर्ली, इट्स टू सडन. मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए. सोचने के लिए टाइम? इतने सालों से जब हम डेट कर रहे थे तब कभी नहीं सोचा? मुझे यूज कर रहा था. व्हाट डू यू मीन यूज कर रहा था? सुना, तू कोई कैंडल नहीं है जो यूज करने से खत्म हो जाएगी? सिक. कहाँ जा रही है? मुझे भाग के शादी कर रही थी ना, चल भाग. हेलो, डॉक्टर दीपा चौहान क्लिनिक. सोना मुखर्जी, नीड एन अपॉइंटमेंट कल के लिए प्लीज. आज 12 बजे. लेट मी चेक. आई एम सो सॉरी, आज आई कांट मेक इट. कल के लिए ट्राई करेंगी प्लीज. परसों? हाँ, आई विल टेक दैट. हाय, आई एम सोना मुखर्जी. आई हैव अ 12 o'clock विद डॉक्टर दीपा चौहान. आपने आज सुबह कॉल किया था ना? हाँ, मुझे कल का अपॉइंटमेंट चाहिए था, आपने मुझे आज का दिया. थैंक यू, दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ यू. योर मिस्टेक इन मैम. आपको कल का अपॉइंटमेंट चाहिए था, मैंने आज का ऑफर किया पर आपने परसों का लिया. अरे ये देखिए, यहाँ साफ लिखा है. आई थिंक दिस बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग. क्या आप प्लीज डॉक्टर से पूछेंगी अगर वो मुझसे आज मिल सकती है? प्लीज, इट्स रियली इम्पोर्टेंट. आई एम सॉरी मैम, वो तो अपने लास्ट पेशेंट को देख रही है, उसके बाद उन्हें एक सर्जरी के लिए जाना है. उन्हें क्या करना है और क्या नहीं उसका फैसला वो खुद कर सकती है, उसके लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं. इसलिए अंदर जाओ और पूछो उनसे. I'll just check.
Hello, baby. This is Mama. अब से टाटा को बचाने के सारे प्लान्स मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी ताकि मैं अकेले सोच सोच के पागल ना हो जाऊं। हमारे शहर में 3 प्रेग्नेंट लड़कियां हैं लेकिन हमें जिसकी तलाश है उसका कुंवारी होना भी जरूरी है सो लेट्स होप एट लीस्ट वन ऑफ देम हैज बीन नॉटी हेलो यस क्या मैं ऋचा गुप्ता से बात कर सकती हूँ स्पीकिंग हु इज दिस नमस्कार मैम मैं हनीमून रिजॉर्ट से बोल रही हूँ हमारे रिजॉर्ट में मैरिड कपल्स के लिए एक फ्री स्टे का ऑफर है क्या मैं जान सकती हूँ आपकी वेडिंग एनिवर्सरी कब है 20th February हेलो यस हाय क्या मैं नीलम चोपड़ा से बात कर सकती हूँ नमस्कार मैम मैं हनीमून रिजॉर्ट से बोल रही हूँ हमारे रिजॉर्ट में मैरिड कपल्स के लिए एक फ्री स्टे का ऑफर है क्या मैं जान सकती हूँ आपकी वेडिंग एनिवर्सरी कब है सितंबर 15 लेकिन क्या पति के साथ आना जरूरी है या किसी और के साथ भी आ सकती This is our last home. Please, God. Hello? What's up? क्या मैं अनुष्का तिवारी से बात कर सकती हूँ डिपेंड करता है तुम हो कौन नमस्कार मैम मैं हनीमून रिजॉर्ट से बोल रही हूँ हमारे रिजॉर्ट में मैरिड कपल्स के लिए एक फ्री स्टे का ऑफर है क्या मैं जान सकती हूँ आपकी वेडिंग एनिवर्सरी कब है Are you serious? Yes, I'm serious. Listen, dipshit. फिर कभी कॉल मत करना मैं अपने नेबर को कम्प्लेन करूंगी वो सीरियल किलर है वो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर देगा और कितने सीरियल किलर्स हैं? अनुष्का हाय हाय आई डिडंट सी यू इन क्लास लास्ट वीक अनुष्का तिवारी मेरी स्टूडेंट ओके सो नाउ लेट्स नोट डाउन अ नॉर्मल पल्स रेट विल बी मेरी नेबर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मेरी ही कहानी में क्यों है
Are you okay? Yeah. Relax. तुमने बचने की कोशिश भी नहीं की. जान देने की कोशिश कर रही थी. मैम प्लीज किसी को मत बताना. डोंट वरी, मैं किसी को बता नहीं सकती. कोई मुझसे बात ही नहीं करता. मैम आई ओ यू. व्हाट? माय लाइफ. आपने मेरी जान बचाई. उसकी फिक्र मत करो, जरूरत पड़ने पे वापस ले लूंगी. You're funny. Thanks. Bye. See you, ma'am. कंफर्म हो गया तुम मेरी साइड पे नहीं हो. मैम साहब. शांता सारे वो तो हम सबके बातों में आ गए थे. प्लीज हमें फिर से काम पर रख लो ना. फिर कभी कभी ठीक है. अंदर जाके अपने काम करो. जाओ जाओ.
कोई मेरा पीछा कर रहा है। तुमने कॉर्नर पे एक ब्लैक एसयूवी देखी है? शायद तुम्हें देख के भाग गया। सुनो, तुम्हें लेट तो नहीं हो रहा है ना? मतलब दो मिनट रुक सकते हो तुम? लिसन, डोंट वरी, ओके? मैं टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हूं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ देन आई विल सेव यू। व्हाट द फक? Good morning, Angad. Good morning, sir ji. Sir ji, aaj kuch khaas hai? Bilkul. Headquarters ja raha hu. Apne transfer ki baat karna hai. Sir ji, aap hame chhodkar ja rahe hain. Humse koi bhool hui kya? Bilkul bhi nahi. Bas mera yahan aane ka maqsad pura ho gaya. Wo lapata ladkiyon ka case. Lekin sir ji, aapne to kaha tha ki aap hamare shehar mein isliye aaye ho. क्या आपको शहर बहुत पसंद है? भाई वो भी है, लेकिन मेरा यहाँ आने का मेन मकसद तो केस था। ओके सर जी। लेकिन सर, जहाँ तक मुझे याद है, लड़कियाँ तो आपके आने के बाद से गायब होना शुरू हुई, तो आप पहले से कैसे? सर जी,
हेलो पुलिस स्टेशन जी। सर जी एक लड़की और लापता हो गई थी। चुप। हाँ ना खाओ सो जाओ। सीरियल किलर मार दूंगा। सब फैमिली अंदर। आखिरी बार कब देखा था आपने उसे? कल शाम जब वो ताइक्वांडो जा रही थी। फिक्र मत कीजिए किसी दोस्त के घर गई होगी आ जाएगी। हमने उसके सारे दोस्त चेक किए और वैसे भी वो बिना बताए कभी घर से बाहर नहीं रहती। जब आपने फोन किया तो क्या जवाब मिला? कल रात मैंने फोन किया था यही पूछने के लिए कि वो खाने में क्या खाएगी तो रिंगो रही थी उसने उठाया नहीं। मैंने कई बार ट्राई किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। कौन है? सीरियल किलर। मुझे यहां क्यों लेके आए हो? क्या चाहते हो तुम? तुम गए हो? ऑफ कोर्स तुम गए हो। तुमने लेडीज परफ्यूम लगाया है। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते इसलिए अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन दूसरे प्रेग्नेंट लड़कियों पे निकाल रहे हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूं? गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा और कोई नहीं जानता ही। तुम आ काम करते हो? खाओ। ओके मेरा हाथ खोलो। मार दूंगा। तुम तो एकदम लड़कियों की तरह चिल्लाते हो। हेलो हेलो आर यू देयर? मुझे भूख लगी है और खाना है। I promise मैं फिर से नहीं काटूंगी। हेलो ये कमरा आपकी बेटी का लगता नहीं है। यही उसकी असलियत है। हमारे बेटे के मौत के बाद अनुष्का ने अपने भाई की भी जगह ले ली। सिड को जानते हैं? Hello and welcome to the next chapter of my surgical tutorials. Today we are dealing with the surgical procedure using local anesthesia. So, meet my team here. Will we begin? Today after gathering so much courage, I finally told Sid about my pregnancy. Anushka ki dairy bahut bolti hai boss. Story kya hai teri? So, I've been a complete joke, sir. जब अनुष्का को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैंने उसको डंप कर दिया सर। सर पर मैं क्या करता सर? प्रेगनेंसी की न्यूज एकदम सडन थी। मैं डर गया था सर।
लेकिन सर मैं अब अनुष्का के बिना नहीं रह सकता सर, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। सो प्लीज फाइंड हर सर, प्लीज। रिलैक्स, आई विल फाइंड हर। कभी उसने किसी ऐसी जगह का जिक्र किया जहां वो इस समय जा सकती है? सर वो हर रोज किसी नए शहर में जाना चाहती थी, वो इसलिए क्योंकि वो आज तक इस शहर के बाहर गई नहीं है। सुसाइड की धमकी? क्यों करेगी सर वो ऐसा कुछ, प्रेग्नेंट है भाई, शर्म बदनामी का डर कुछ भी। No way sir, Anushka never gave a rat's ass about what people think. जब मैंने अबॉर्शन की बात की, she said she'll have the baby with or without me. लेकिन अबॉर्शन कभी नहीं करेगी। Hey, listen, I'm so sorry मैंने तुम्हारे सेक्सुअल प्रेफरेंस पे कमेंट किया, मुझे गेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ इतना सेफ फील करती हूँ, मुझे माफ करोगे प्लीज? हाँ। ये हुई ना बात, see that's a start, now we're talking. No, actually I think you're a great guy, we just got off on the wrong foot, you know, and I'm really sorry I kicked your ass and all of that, but I really want to make up for it. Friends, what's it? कहाँ लेके जा रहे हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अब तो हम friends हैं ना, अब क्या problem है? Let me guess, तुम मुझे खुली हवा में ले जा रहे हो ना? Thank God, you really are a true friend. मेरा दम घुट रहा था वहाँ. Hello. What's the smell? We're in a fucking hospital, huh? मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके आए हो? और यहाँ इतना साइलेंस क्यों है? Anyone there? कोई है? Hello doctor. Nurse. Hello patient. Help. Is anyone in this goddamn hospital? Somebody please fucking help me. Surgical abortion. What the fuck? Using local anesthesia. तुम ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख के अबॉर्शन करने वाले हो? यू फकिंग क्रेजी? सर्जन अपनी जिंदगी के 6 साल निकालते ये करने में, यू कैन फकिंग डू इट लाइक दिस? ओके प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को मत मारो, फॉर गॉड्स सेक हैव अ हार्ट प्लीज, मुझे जाने देना। मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी, मैं बोलूंगी कि मैं भाग गई और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, फिर मैं वापस आ गई। प्लीज प्लीज लड़की एस्केप करके सबको किलर के बारे में बता दे तो? वो जानती है तुम कौन हो? नहीं, वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं औरत हूं। देखो टेक्निकली काम बन सकता है, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा। ज्यादातर क्रिमिनल्स अपनी गलती को सुधारने में पकड़े गए हैं, ना कि असल क्राइम करने में। मैं क्रिमिनल नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं उसे जाने दे रही हूं, बट आई विल मेक श्योर वो बाहर जाके सबको किलर के बारे में बताएगी। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे बारे में सबको बताना होगा। जेल में वो फ्रॉड मेरा इमेज खराब कर रहा है। Surprise, motherfucker! Ma'am? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें बचाने आई हूं। किलर कहाँ है? मैंने उसे नीचे जाते देखा और अंदर आ गई। I'm so sorry, ma'am.
वही परफ्यूम? यस। कौन सा परफ्यूम? जो किलर ने लगाया था। शायद उसकी खुशबू अभी कमरे में है, या हम दोनों एक ही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। It's possible. We should call for help. No. Wait. Serial killer. Martunga. Fucking bitch. Chup. ये कहानी अब खत्म होने वाली है, जैसे हमने सोचा वैसे। But we gotta do what we gotta do. तो मेरे साथ होना। मैं जानती थी तुम यही कहोगे। Who are you talking to, you freak? Shut the fuck up! Help! कोई है? Help! ये psycho मुझे मारने की कोशिश कर रही है. Trying to scare me with your psycho stare? I can do better. Here. क्या मेरी नेल्स फाइल करोगी? एक और वर्ड और कसम से अभी मार दूंगी। तो मारो, ये रोज रोज की टॉर्चर से तो अच्छा है। टॉर्च अभी तूने देखा ही कहां है। अब देखेगी। देखिए साहब, हम आपके भरोसे नहीं रह सकते। हमने अपनी सिक्योरिटी खुद करने की ठान लिया है। देखिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ, मैं उस लड़की को ढूंढ निकालूंगा। जैसे आपने और लड़कियों को भी ढूंढा ना। वो केस अलग था बॉस, और कातिल इस समय जेल में, मत भूलो। अरे डॉक्टर साहब, खूनी है या नहीं किसे पता? प्रूफ है उसके खिलाफ जो मैंने कोर्ट में जमा कराए हैं। प्रूफ? प्रूफ है? अरे अभी अभी जो एक और लड़की गायब है, उस प्रूफ का क्या? जब अपने पर्सनल इश्यूज थे, वो भाग गई थी, वापस आ जाएगी। भाग गई होगी, मिल जाएगी, या किलर अभी तक बाहर है। देखो इंस्पेक्टर, तुम्हारी गलती की वजह से हमारे बेकसूर डॉक्टर अभी भी अंदर है। तुम्हारा डॉक्टर कोई बेकसूर नहीं है, और मेरी इन्वेस्टिगेशन में कभी कोई गलती नहीं होती। सर, कॉल था सर। किसका कॉल था अंगद? सर जी, कॉल करने वाला कह रहा है की वो सीरियल किलर है, और सर जी लाश उसी जगह मिलेगी। Thank you.
Anushka! Anushka! This, Kana, you can't leave me like this. Defense? Your Honor, मेरे क्लाइंट के कस्टडी में होने के बावजूद जब अब एक और मर्डर हो चुका है तो ये साफ है कि सीरियल किलर अब भी बाहर है और मेरा क्लाइंट बेकसूर, इसीलिए हम चाहते हैं कि डिफेंडेंट को बेल ग्रांट किया जाए. प्रोसिक्यूशन? लेकिन हमने उसके खिलाफ सबूत पेश किया है योर ऑनर. मैडम 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 प्लीज देखिए, दलीलें तो होती रहेगी हैं, हम कोई बेगुनाही का वर्डिक्ट तो नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ बेल मांग रहे. ओके, डिफेंडेंट को बेल ग्रांट की जाती है. क्या हो रहा है? सुनो, आई थिंक आई नो व्हाट्स हैपनिंग. स्टाफ ने मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखी है ना, क्या सस्पेंस बना के रखा हुआ है यार. सोना, बेसमेंट पार्टी तो नहीं हो सकती यार. सब वाओ, यहां भी एक कमरा, मुझे तो पता ही नहीं था यार. हम तो इधर एक बेड लगा. ये वो लड़की है जिसकी लाश मिली थी यार. ये मैं समझा नहीं यार. तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का एक ही तरीका था. सीरियल किलर. तो फिर वो बॉडी वो बस एक लावरस बॉडी ऑफिस थी जो मैंने हॉस्पिटल से ली, जहां से हम कॉलेज एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा लेते हैं. फिर मेरे मेकअप और टैटू स्किल्स काम आए, उसे इस लड़की जैसे बना. My baby. मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या करना पड़ा. हम दोनों साथ. जॉय, अब हम क्या करें? इस लड़की का क्या करें? उसने मुझे देख लिया है. शांत, बेबी,
must think of a solution very calmly. Okay? I can't believe I'm going to say this, but thank God you're here. You know, it's been driving me nuts. तुमने अभी तक मुझे मारा क्यों नहीं? ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें जाने दे रही थी, when you had to axe मारो भागने की कोशिश की। Stupid girl, तुमने मुझे देखा नहीं होता तो आज मेरी problem नहीं होती। क्यों? अब मेरी समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे साथ करूँ क्या? Oh yeah, सब मेरी गलती है। तो फिर खाना क्यों खिला रहे हो? मरने दो मुझे। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके लिए है। और कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्या बात है? स्टॉक खत्म हो गया? स्टॉक नहीं, इज्जत खत्म हो गई तुम्हारे लिए। जिसने हमारे डॉक्टर साहब को फंसाया, उसके लिए अब से यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। देखो, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ मत कहना। आज मुझे बहुत पीनी है। एक बार बोलो, समझ में आता है? मुझे पीने से रोके। मारो सारे को। इसे सुनो, तुम्हारे लिए एक नाम सोचा है। Let me know what you think. अंतिम, अंतिम। लड़की हुई तो? लड़की? ये तो सोचा ही नहीं था। अनुष्का, that bitch, I'm gonna kill her. I... Get her on. Get her on. Not there, you fool. She'll see you. Hide in the cupboard.
डर गई, मैं तुम्हें जगाना चाहता था, पर यू स्लीपिंग लाइक अ बेबी। अंदर आ जा, अंदर आ जा। इसलिए मैंने तुम्हें जगाना सही नहीं समझा। चुप। कमी शो ना, कमी बेबी। आजा 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 आजा, यही कहने आ जा। कम। जॉय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? No, I realized she needs a surgery. Kaisi surgery? Abortion. Kyun? Kyunki she is a whore. Meri maa ki tarah. Lekin tum isse jaanti bhi nahi. तुम तो अपनी असली मां को भी नहीं जानते थे। मैं सबको जानता हूं। समय जैसे फकिंग हॉर बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाती है, या तो मासूम को गिरा देती है किसी कचरे के पेटी में फेंक देती है ताकि कोई पर्वर्ट साला आ करके अडॉप्ट करे। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ होगा, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं उन तक किसी को सजा देने का। मैं सजा नहीं दे रहा हूँ यार, हुआ मैं, ये तो इनका भगवान देगा। मैं तो सिर्फ मीटिंग अरेंज कर रहा हूँ। और उन मासूम बच्चों का क्या? बिल्कुल सेफ है मेरे बॉटल्स में। यहाँ ये सालिम दुनिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, ये तुम्हारे लिए फैसले की घड़ी है, बट रिमेम्बर तुम्हें फैसला लेने की पूरी आजादी है, पर नतीजा मेरा नाम मृत्युंजय है, छोटा ही करना है ना तो मृत्यु बोलो। जॉय जॉय जॉय, I'm not a fucking ice cream. Call me मृत्यु। Oh, the sweet sound of death. हेलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सोना से बात करनी है? हाँ यही है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ ये लीजिए। और कैसी हो सोना? हाँ सर, सर वो अभी बात नहीं कर पाए। नहीं नहीं छोट सर्दी नहीं है सर, बस वो एक छोटा सा चाकू उसके हाथ के बीच में फंसा हुआ है सर। हाँ पता चल गया सर आपके बारे में। लगता है अब पता चल गया। नहीं सर, डोंट वरी सर, वो किसी को नहीं बताएगी। आई विल टेक केयर ऑफ हर।
गुड नाइट। वो सो गई और अपना पुराना सेटिंग है, अपना चलते रहता है। शोना, तुम्हें तो ऐसा लग रहा हो जैसे कि तुम सिक्स सेंस का क्लाइमेक्स देख रही हो। लेकिन सिक्स सेंस देखने का असली मजा दूसरी बार में आता है। तब तुम्हें एहसास होता है कि कैसे सब कुछ हर वक्त तुम्हारे सामने मौजूद था और तुम्हें पता ही नहीं चला। तमाम सिट डाउन, रिलैक्स और हमारे सारे सीन्स रिप्ले करो और एंजॉय करो। थैंक यू, थैंक यू। Let's rock and roll. Stop, 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 please stop. Don't do that. Don't do that. Nahi. Please stop. Stop. कौन? सिद। अरे भाई, देश के 135 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ तो सिड ही है, आप कौन से वाले हैं? अनुष्का का बॉयफ्रेंड। मैं अंदर फंस गया हूँ, दरवाजा जैम्ड है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज। बचपन में मैं बहुत शर्मिला था। अब क्या कोई यकीन करेगा कि बचपन का वो शर्मिला लड़का आज दो लोगों की ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने वाला है? विश मी गुड लक। वेयर इज माय स्कैल्पेल? स्कैल्पेल? ओह, I guess I'll have to get another one. Okay, it's all right. Okay, guys, behave yourself. No mischief, huh? Pin drop silence. Okay, guys. What a mess. Sit down.
शोना, और मेहमान तो नहीं आने वाले ना, मेरे पास और कुर्सियां नहीं है। मिस्टर रस्तों के तुम्हारे बारे में बहुत बात किया करते हैं। अच्छा हुआ आज मिलने का मौका लगा। आई एम वंडरिंग कि तुम्हें कैसे पता चला। मुझे लगा कि हम तीनों पर कुछ ट्रायंगल चल रहा है यार। तुम तो सिर्फ अपनी बहन का बदला ले रहे थे। पर एक बात मुझे अब भी समझ में नहीं आ रही, तूने मुझे ढूंढा कैसे? What's so funny? कुछ नहीं डॉक्टर, एक जोक याद आ गया। अच्छा, अब ऐसी हालत में हंस रहा है तो बहुत ही फनी होगा। बहुत फनी है, सुनेगा। Oh, fuck! I love comedy. It's a, come on, can't wait. मैं सोना से बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। यार, that's not fair. टेलर कॉमेडी की दिखा के पिक्चर रोमांस की दिखा रहा है, नॉट फेयर। हाँ, पेशेंस रखो डॉक्टर, वो भी है। इससे पहले कि मैं सोना से शादी कर पाता, मुझे मेरी छोटी बहन की मौत की खबर मिली। घर पहुंचकर जब मैंने जांच की तो पता चला कि मेरी बहन मौत से पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिली थी, विच वॉज ऑड, क्योंकि मेरी बहन कुमारी थी। फक। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी डॉक्टर। पुलिस वाला है तो मारा नहीं? नहीं डॉक्टर, लेकिन तुम्हारी वजह से 2 साल तक कोमा में रहा। थ्रिलर, लुक, आई एम लूजिंग पेशेंस। ओके, कॉमेडी कहां है? कमिंग सून डॉक्टर। जब मैं होश में आया तो सबसे पहले मैंने सोना को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर पता चला कि उसकी शादी उसके मां बाप के पसंद के लड़के से हो चुकी है। ट्रेजेडी। ओके, कॉमेडी छोड़ के सब कुछ दिया इसने। वेयर इज द फकिंग कॉमेडी? कॉमेडी कहां है? कहां है कॉमेडी? काम डाउन डॉक्टर, ये मसाला है, इसमें सब कुछ है। अब आ रही है तुम्हारी कॉमेडी। सोना को खोने का गम तो मुझे था ही, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि अब मैं अपना सारा वक्त तुम्हारे पीछे लगा सकता था। पूछताछ करने पर पता चला कि तुम इस शहर में सेटल हो चुके हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए तुम्हें पकड़ने के लिए मैंने यहां पे पोस्टिंग ली। लेकिन यहां आकर मैंने क्या देखा कि मेरा खोया हुआ प्यार मेरी नफरत का हो चुका है। What a fucking joke!
उससे भी फनी ये है कि तुझे मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिला। मैं थक गया था इंतजार करते करते, इसीलिए मैंने खुद ही प्लांट कर दिया। ओके 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 बस 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 तो अब अभी रोमांस, थ्रिलर, ट्रेजेडी, कॉमेडी सब हो चुका। ओके टाइम फॉर सम एक्शन। क्योंकि इस एक्शन सीक्वेंस का इंचार्ज एक बंगाली है, मृत्युंजय मुखर्जी, दैट इज मुआ। आर्टिस्टिक एस्थेटिक्स इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस। सही लाइटिंग, सही म्यूजिक, बेबी, आर यू ओके? तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई। मैंने अपने बच्चे
You whore! वो ठीक है, तुम हफ्ते भर में डिस्चार्ज हो जाओगी। जेल ले जाने की परी जाती है। जेल नहीं जा रही, अनुष्का अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने मेरी जान बचाई और आपके बिना इस इडियट को कभी मेरी कीमत का एहसास नहीं होता। गिल्टी एज चार्ज्ड, ऑल थैंक्स टू यू। हम शादी कर रहे हैं और शायद आप दोनों को भी एक नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। हेलो, हाउ आर यू फीलिंग? फाइन डॉक्टर। देखो, मैं तुम्हारा दर्द शायद पूरी तरह समझ नहीं पाऊं, बट इफ इट्स एनी कंसोलेशन, तुम फिर से मां बन सकती हो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, वो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चलेगी? कौन सी बॉडी? वही डेड बॉडी जो मैं अपने साथ लेकर आया था। अच्छा, वो वाला? वो मरा नहीं है, हमने उसे बचा लिया है। फक, कहाँ है वो? ये पेशेंट कहाँ है? अभी तो यही था, ऐसे कैसे गायब हो सकता है? और वो तो बेहोश था। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नोप।